गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास एट्थ हिंदी व्याकरण, आपका लेसन है शब्द विचार। तो चलिए डाल लेते हैं हम एक नजर कल पर कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा स्रोत के आधार पर उनके भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उसके आगे संकर शब्द। तो देखिए संकर शब्द है क्या। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। इसे बता रहे हैं कि जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं, दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बनते हैं, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए वर्षगांठ, कपड़ा उद्योग, पूंजीपति, मांग पत्र, तो ये हिंदी और संस्कृत भाषा मिला के बनी है। हिंदी और संस्कृत भाषा से ये शब्द बने हैं। जैसे वर्षगांठ है तो वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। ऐसे ही देखिए फलदार, थानेदार, घड़ीसाज, किताबघर, नुकसानदायक, तो ये हिंदी और फारसी से मिलके बने हैं। हिंदी और फारसी भाषा से मिलके बने हैं ये शब्द। जैसे देखिए फलदार है तो फलदार फल हिंदी का शब्द है और दार फारसी शब्द है। ऐसे ही थाने, ये हिंदी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है। ऐसे ही देखिए रेल यात्री, सिनेमा घर, रेलगाड़ी, टिकट घर, तो ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा से मिलके बने हैं। रेल ये अंग्रेजी शब्द है और यात्री हिंदी शब्द है। सिनेमा अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। इसी तरह से रेलगाड़ी, टिकट घर। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर इसमें क्या है। देखिए यद्यपि शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है परंतु प्रयोग और प्रसंग के अनुसार उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकलता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं। कौन कौन से इसको देखिए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द देखिए, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे माता, उंगली, गाय, घोड़ा, सम्राट, लोहा आदि, तो इन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ होता है। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या है इसको देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में लिया जाता है। जैसे लाल, एक लाल का अर्थ बेटा है और एक का एक रंग होता है। पत्र, एक पत्ता होता है और एक चिट्ठी होती है। कुल, वंश, और ये सब, ये दो अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं कुल का। तीर का भी, एक तीर का अर्थ तो किनारा होता है और एक तीर बाढ़। काल शब्द का भी हम दो अर्थ में लेंगे, एक तो काल समय होता है और एक काल मृत्यु के संबंध में आएगी। सोना, एक सोना नींद से मतलब है और एक सोना, एक धातु होती है सोना। तो जहां जैसा प्रसंग होगा वैसे ही हम उसका प्रयोग करेंगे। तो ये तो था आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में आप देखें कि कुछ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थ में किया जाता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लाल शब्द का देखें तो लाल, ये लाल शब्द है, अगर माँ अपने लाल को बुला रही है तो वहां हम लाल का अर्थ बेटे से लेंगे।
और ये लाल रंग का है तो वहां हम रंग से लेंगे, ये गेंद लाल है तो वहां पे हम किससे लेंगे, हम रंग से लेंगे, उस लाल का अर्थ हम किससे लेंगे, रंग से लेंगे। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट करिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण भी दीजिए। तो ये देखिए, आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, प्रयोग के आधार पर भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द। तो सामान्य शब्द क्या है उसके बारे में बताएंगे और उदाहरण भी देंगे, और तकनीकी शब्द क्या है उसके बारे में भी बताएंगे और उदाहरण भी देंगे, जिसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।